तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं विजय चमोला, अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं शुरू। ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आज मैं हूं अपने किचन में और बनाने वाला हूं एक रेसिपी, मलाई कोफ्ता। तो कैसे बनेगा बताता हूं मैं आपको। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं मलाई कोफ्ता खाने के लिए। और कढ़ाई रख दी है, क्या क्या होता है बताता हूं मैं आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, ये ले लिया है पनीर और ये ले लिया आलू। इनको उबालना पड़ेगा और उसके बाद इनको करना पड़ेगा मैश। तो ये इधर बेबी कर रहा मस्ती और मैं खिलाने वाला हूँ बेबी को मलाई कोफ्ता। क्या खिलाने वाला हूँ? मलाई कोफ्ता। हो चुकी है आपका पनीर है और पनीर और आलू को मैश करके गूंद दिया गया है और ऐसे तैयार कर दिया गया है एकदम। और इसमें फ्लेवर के लिए आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, जो ये दिखाई दे रहा हरा हरा, ये सब कस्तूरी मेथी। और इधर पीनट्स को अभी मैं करने वाला हूँ, ये देखिए। और इनको करने वाला हूँ, पीनट्स को रोस्ट करने वाला हूँ और उसको आने वाला है मजा। और ये ले लिया है मगज और मगज की बनेगी आपकी ग्रेवी। इधर हमने जो ये प्याज टमाटर और ये कीकड़ का पत्ता है इसको कर दिया है मैश और ये ग्रेवी हमने थोड़ा सा ग्रेवी तैयार बना दी है। ये मगज में डाल दिया पानी, इसको रख दिया है भिगोने के लिए। वाली है बॉल्स और ऐसे बना के रखनी पड़ेंगी इधर से लेकर के और एकदम बेहतर, इधर एकदम बेहतरीन होने वाला बॉल, एकदम गोल गोल सी होनी चाहिए ऐसे, और एकदम मज़ा आने वाला है। और ये बहुत सारी बॉल्स बनाने वाला हूँ मैं आपको और उसके बाद इसमें डालने वाला हूँ कढ़ाई में। तो ये कढ़ाई हो गई है एकदम बेहतरीन सी तैयार। और ये मूंगफली भी हो चुकी है मैश और इधर मैंने ग्रेवी एकदम बना के रख दी है, एकदम बेहतरीन सी ग्रेवी ये हो चुकी है तैयार। और ये गरम होने वाला है और मैंने बॉक्स बना दी है और उसके बाद दिखाता हूँ मैं कि बनता कैसे। और इनको कर रहे हैं फ्राई। ये बन चुकी है बॉक्स मलाई कोफ्ते की और ये होने वाली है फ्राई और ये एकदम बेहतरीन सी। और इधर जब तक पीनट्स पूरे एकदम फर्स्ट क्लास से होते हैं तब तक ये बना देते हैं। और उसके बाद ये लगा दिए मैंने मिक्सी और इसको करने वाला हूँ ग्राइंड। तो हेलो फ्रेंड्स, ये ग्रेवी डालने वाला हूँ मैं मिक्सी में और ये जितना मगज था ये भी एकदम डालने वाला हूँ इस मिक्सी में और आने वाला मज़ा। ये डाल दिया है मैंने सब चीज़ मिक्स करके और ये इधर से उठा देते हैं कुछ पीनट्स और पीनट्स को भी डाल देते हैं इसमें। तो ये डाल दिया मैंने मूंगफली, इधर बना दिया जो मसाला तैयार किया था वो और मगज। और अब इसको करने वाला हूँ मैं ग्राइंड। और ये हो गया है कुछ यूं, सारा का सारा बन चुका है ग्रेवी और एकदम होने वाला है बेहतरीन सा। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कितने बॉल्स डालने वाले हैं हम। तो ये बॉल हो रही है एकदम ब्राउन, बॉल हो जाएंगी कुछ इस तरीके की ऐसा, और एकदम मजा आने वाला है आज खाने में और बनने वाली है मलाई कोफ्ता। तो आपको भी मलाई कोफ्ता बनाना होगा तो ऐसे ही बनेगा और एकदम बेहतरीन सा मलाई कोफ्ता खाने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, ये बनके पूरे तैयार। तो अभी होने वाली है मलाई कोफ्ते की लास्ट स्टेप। तो अब ये जो ग्रेवी बनाई थी उसको एकदम फ्राई कर रहे हैं इसमें और ये आने वाला है एकदम बेहतरीन सा मज़ा। तो ये बनने वाली है ग्रेवी और इसके बाद इसमें डालने वाले हैं हम मलाई कोफ्ता। तो हेलो फ्रेंड्स, ये एकदम बन चुकी है ग्रेवी एकदम बेहतरीन सी और ये इधर बना दिए हैं हमने एकदम जो बाउल थे वो हो चुके हैं तैयार, जो बॉल्स बनी हुई थी। तो अब इसको डालेंगे कटोरी में और उसके बाद डालने वाले हैं इनको और अभी रखने वाले हैं इसके ऊपर से मलाई। तो होने वाला है एकदम यम्मी। फ्रेंड्स, ये ले ली है मलाई और अब मैं डालने वाला हूँ ये जो बनी हुई है ग्रेवी। तो इसमें ये देखिए मलाई डालने वाला हूँ ऊपर से और आने वाला है एकदम बेहतरीन सा मज़ा। तो मलाई कुछ वैसी नहीं है, गाढ़ी नहीं है, लेकिन जब ये घर वाली मलाई है तो एकदम मज़ा आने वाला है, ये देखिए आप। और अब मज़ा आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी डाल दी है मलाई और मलाई कोफ्ता हो गया है तैयार। अब करने वाला हूँ मैं सर्व। तो ये रख दिए मैंने
माँ कोफ्ते, और ये डाल रहा हूँ मैं ग्रेवी, और ये इसके ऊपर से मलाई। और तो कैसा लग रहा है जरूर बताएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और जरूर बताएगा कि मलाई कोफ्ते खाने कब आ रहे हैं। तो चलते हैं, बाय बाय।